जय हिंद। सबसे पहले स्वागत है आप सभी कुछ नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी बता रहा हूँ, जानकारी यह है कि जितने भी कैंडिडेट डिग्री पार्ट वन में है या पार्ट टू में है या पार्ट थ्री में है, ठीक है, और वो लोग सूचना पा रहे हैं कि अगर हमने एडमिशन लिए हैं किसी भी कॉलेज में, ठीक है, बिहार के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं और अगर उपस्थिति 75% नहीं रहती है, ठीक है, तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। और इसका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और ये रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं, ये सीएम कॉलेज का है और पिछले कुछ दिनों में, ठीक है, 36 कैंडिडेट का जो है एडमिशन को रद्द कर दिया गया है और ये सब कैंडिडेट जो है अपील भी दर्ज कर दिए थे, ठीक है, कोई ना कोई कारण था उनके पास तो वो अपील दर्ज कर दिए थे, फिर भी उसका नामांकन जो है वो रद्द कर दिया गया है। और आप लोग कह रहे थे कि सर हम लोगों को क्लास करना अनिवार्य है या नहीं है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि मैंने अपने कम्युनिटी टाइम में जब आप लोगों से पूछा तो 75% कैंडिडेट यही कह रहे हैं कि 75% जो है ना अटेंडेंस के बारे में बताइए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए, अभी जो है वो शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी जो है ना वो एक तरह से पीक पर है और सभी कॉलेजों का स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आज कर लिए और 20 दिन के बाद करेंगे, डेली किसी न किसी कॉलेज का निरीक्षण हो रहा है और इसमें यह पाया जाता है कि कितने उपस्थित हुए हैं, कितने अनुपस्थित हैं और छात्रों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए ताकि वो पढ़ने में रुचि रख पाए। और इस रिपोर्ट के हिसाब से तो ये भी बताया जा रहा है कि नामांकन ले लेता है कैंडिडेट और बाहर चला जाता है कमाने के लिए, तो ये है। देखिए, ऐसे हम तो नहीं कह सकते हैं कि किसी कोई नामांकन ले लेता है और बाहर कमाने के लिए अपने शौक से चला जाता है, ऐसा तो नहीं है, किसी के पास किसी न किसी चीज की मजबूरी होगा इसलिए वो चले जाते हैं। अब बात रही कि आप लोगों को क्लास करना अनिवार्य है या नहीं है, तो देखिए, जिस हिसाब से विश्वविद्यालय हो या बोर्ड हो वो पहले भी कहता है कि 75% उपस्थिति अनिवार्य है, अगर 75% उपस्थिति नहीं होता है तो इस स्थिति में छात्रों के नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा और उसको फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। और ये आप 10th में भी सुनते हैं, 12th में भी सुनते हैं और ग्रेजुएशन में भी अब सुनने लगे हैं और यहाँ तक जो है वो पीक पर आ गया है कि नामांकन काटो, सब काटो और जो सब नहीं आ रहा है उसका काटना शुरू कर देना है, ठीक है। तो अभी जो है वो बहुत से कॉलेज में यह काम जो है वो चल रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को जो बताया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा उसे तो फॉलो करना पड़ेगा, चाहे मैं हूँ या अन्य कोई आदमी है उसे तो फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कोई कोर्स करना, ठीक है, कोई कोर्स करना चाहते हैं और आप ये वाला क्लास कर नहीं पाते हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर नामांकन रद्द कर देता है तो आप लोगों को नामांकन लेने से भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अगर इंटर के बाद अगर आप कोई कोर्स करना चाह रहे होंगे ना तो आप अपने कॉलेज से जो है ना सर्टिफिकेट छोड़वा लीजिएगा, नामांकन रद्द करवा लीजिएगा और उसके बाद जो है अन्य कोई कोर्स जो है वो जो टेक्निकल हो या डिप्लोमा हो तो उसका आप लोग कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आपके जीवन पर कोई प्रभाव न पड़े। और बात रही आप लोगों को ग्रेजुएशन ही करना है तो आप लोगों को एडमिशन लिए हैं तो कॉलेज में जाना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और आप लोग किस चीज के बारे में वीडियो चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है कि 75% हाजिरी जो है वो रहना जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे की सूचना जो भी आएगा ना मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। आप लोग अभी क्लास करिए और जो भी होगा, मंद होगा तो मंद होगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।